से आप कहीं भी बैठे हो, गुरु की शक्ति आप में बराबर प्रवाहित होगी। अगर ये शक्ति प्रवाहित हो रही तो वो भी प्रवाहित होगी। इसके लिए आपको केवल 1,25,000 गुरु मंत्र जाप करना है, और 1,25,000 का मतलब 1,250 मालाएं। तो मैं उस गुरु मंत्र से वेष्टित वह प्रयोग जो सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग है वो कर रहा हूँ, मगर 1,25,000 मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। इस निमित्त संकल्प है कि सूक्ष्म सिद्धांत के लिए मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा हूँ। बाकी 4 मालाएं तो आप जो कर रहे हैं वो करेंगे, बहुत ही अलग बात है शिष्य के लिए, मगर इसके लिए आप वो मालाएं करेंगे और उस आगे नोट करेंगे, आज 5 की, आज 3 की, आज 8 की, आज 11 की, आप 9 की, और देखेंगे कि 1,25,000 मंत्र जाप होने के बाद में आप में कितना जो मैंने कहा किस प्रकार से परिवर्तन आता है आप खुद अनुभव कर सकेंगे। ये तो इस प्रयोग के बारे में जो मैं समझा रहा हूँ। इसलिए इस मंत्र में केवल मंत्र जाप करें तो घी का दीपक लगना जरूरी है। इस मंत्र जाप के लिए घी का दीपक लगना जरूरी है, अगरबत्ती लगना जरूरी है, आसन होना जरूरी है, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होना जरूरी है, और रात्रि को ही मंत्र जाप करेंगे, और इसके लिए केवल स्फटिक माला का प्रयोग करेंगे। इतनी चीजें इसमें जरूरी है जब भी आप शुरू करें, और कुल 1,250 मालाएं करनी है इस निमित्त। और वह गुरु मंत्र सीधा है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, बिल्कुल शुद्ध और सही उच्चारण, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, वो मंत्र दे रहा हूँ जो आपके कंठ में हृदय में स्थापित, वह गुरु अपने आप शक्ति ट्रांसफर करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को भी आप देखिए, मैं तो मंत्र वो भी दे दूंगा तो वो आप कर नहीं पाएंगे, वह क्योंकि इतनी उच्च कोटि की साधना है कि उस मंत्र को करने के लिए फिर आपको 40 टेक्निक और बतानी पड़ेगी, ये विधि है, ये विधि है, ये भी करना पड़ेगा। आप सोचे कहाँ झंझट मुझे फंसा दिया, सारी इतनी एक्टिविटी कहाँ से करेंगे, छोड़ो उसको। दो बातें आपको करनी है, अपने पंजों पर खड़ा होना है, एडी टच नहीं हो, और थक जाए और एडी टच हो तो समझिए कि आपको न्यूनता है, हो जाए कर देना, मैं फिर वापस पंजों पर। पंजे कहते हैं अंगूठे, उंगली और अगला थोड़ा हिस्सा, उसको पंजा कहते हैं, बाकी सारा हिस्सा एडी कहलाते हैं। जब मैं बोलूं और फिर आपकी आंख मेरी आंखों से टकराती हुई रहे, तो शक्ति प्रवाह आंखों से होगी, यंत्र और सामग्री आपके हाथ में होगी। मैं 3 बार ओम बोलूंगा और आप भी 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि का मतलब है अंतिम, जब तक आप कंठ थके नहीं तब तक ओम बोलना है। हरि हरि ओ, हरि ओ, ओम प्रस्थान वाम पूर्वाय दोस्मानम सक्रे कल्याणदाम दीर्घस्याम साजिम्यम प्रदाति पूर्वा साजिमिगात दोस्मानम सक्रे कल्याणदाम पूर्वा हे दोस्मानम सा रेति पूर्वा सा चेतन पूर्वा खेत भोड़ी हेतु वात मुराद से पूर्वा वसो हो वसुंधरा सा प्रत्याय दोस्मानम सा सूक्ष्मता पूर्वा दोस्मानम सम अंकम चंडन तम पम्यन सम बमा दीर्घता पूरा 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 दोस्मानम क्री 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 क्रा कालेगा दीर्घा 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 दोस्मानम सक्रे कल्याणदाम सा चेतन्यम परिपूर्णा दोस्मानम सा नेति उत्तर सर्वा दीर्घा दोस्मानम सक्रे कल्याणदाम दीर्घस्याम दोस्मानम सा प्रीति कल्याणदाम पूर्वा अंकम चंडन सम बंद बिंदुरा मले मले जागरे जागरे थोड़े थोड़े दीपतम दीपतम पाम पाम आप पुति खांगा मंत्र तुंगरे एंकार रूपाय दींकारी प्रतिपाल के क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूप चामुंडाम चंड घाती चा एंकारी वेदा विचित्रम वेदा धाम दीम धूम धूजटे पत्नी भाम भीम भूम भागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं काली के देवी स्थान श्री सुमे शुभम गुरु हुम 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 का रूपिणी जन 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 जब्द नामी राम भीम धूम भैरी भद्रे वानी रुना पूरा अंकम चंडन तंपम यंसम बिंदु राम पूरा पूरा हेतु स्वान सा क्रे कल्याण तम सा पूरा सूक्ष्म श्री धारण तम पूरा पूर्ण सजम धारित्वा हेतु स्वानम अणिमादि सिद्धि प्राप्त नृत मम शिशिताम गुरु मंत्रेण वेष्टितम सा हेतोस्मान सा अमु गोत्रोत्पन्नोहम अपनी जात अमु शर्मा हम ताम पुरुषा तो स्वानम सक विकलांतम दीर्घा तो स्वानम सक विकलां सा पूर्वा चेतन परिपूर्ण तो स्वानम सक विकलां दीर्घ शाम सात बिन वजन वो ज्योति पूर्वा तो स्वानम सा यदि पूर्वा स्वा दीर्घा तो स्वानम सक विकलांतम पूर्वा सा चेतन परिपूर्ण तो स्वान सा विकलां पूर्णा ता पूर्वा सा दीर्घ तो स्वानम सक विकलांतम दीर्घ शाम दीर्घ आयु तो स्वानम सा पूर्वा सा कृतिं विकलांतम पूर्वा सा पूर्वा वशिष्ठ दीक्षा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अति कड़ा पुलस्त्य सा चेतन परिपूर्ण तो स्वान कृते कल्याणम दीर्घ शाम पाम पूर्वा सोत्रम सा तुद्गम इदम इतम वो ज्योति पुरुषाम तो स्वानम सा तुद्गम दर्शन काम क्रोध लोभ मोह वरिदम सा विदेह प्राप्त निमित्तम एतोस्मानम सक्रिय कल्याणतम पूर्णा पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सूक्ष्म अणिमादि सिद्धि प्राप्त निमित्तम गुरु मंत्रेण वेष्टितम सा गुरुमुखेन मंत्र प्राप्यता सा पूर्वा एतोस्मानम सक्रिय कल्याणतम समस्त
उपस्थित उत्तिष्ठ शिष्यत्वम सा पूर्वा हेतुस्वानम सूक्ष्म शरीर दीर्घ शरीर धारित्वम सा पूर्णता मंत्र जपेणा पूर्णा हेतु स्वामी शक्ति कलांत दशा तो पूर्वा सुमंत सिद्धाश्रम योगी साम आशीर्वाद में हेतु स्वानम सा कृति कलांतम दीर्घ साम साचिन परिगुणा तो स्वानम ती बुधा ताम पूर्वश्याम सातव्यम इदम चितम वो ज्योति पूर्ण श्याम तो स्वानम सा नेति भूता लक्ष्मी शवानी ते नोनवा दुर्गा तो साम पूर्वा तो स्वानम सा पूर्व साम तुभ्यम संपर्द दे इनको आप आंखों से लगा दीजिए और वापिस हाथ खुले रखिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ एडी नहीं टिकेगी। ओम मंत्रार्थ सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथ सत्रुणाम नाशोस्तु मित्राणाम दृष्ट्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह्म वाक्यस्थान मनंती अष्टान प्रस्तुतोन्त्यम गणन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वचस्माश्मारोग्यम मवदत मनुमे दे धान्यं धनं पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरं दीर्घमायु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मम समस्त उत्तिष्ठ शिष्यनां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्त निमित्त सचित गुरु मंत्रेण देशित सातुभ्यम यदमचित वाज अतिकुल्यानतावसाम मोहिगुल गोदशति सकादे नानक सीमाली सा पूर्वा हे तो स्वानम सातुभ्यम संपर्द दे हे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि यह प्रयोग यह कार्य आपको सफल हो